हाय, हेलो एवरीवन। सो गाइस, हॉरोस्कोप की रीडिंग्स जो है वो आज की है। एयर साइन लिब्रा वालों के लिए अगस्त 2022 में क्या आ रहा है, मंथली प्रेडिक्शन है, टैरो प्रेडिक्शन। सो गाइस, आप चैनल पे न्यू हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। सो देखते हैं अगस्त 2022 में लिब्रा वालों की लाइफ में क्या आ रहा है। फर्स्ट वी हैव सेवन ऑफ स्वॉर्ड, फिर है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून, देन वी हैव हाई प्रेस्टीज अमेजिंग, देन है हमारे पास एस ऑफ कप्स, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, विर्गो हर्मिट, सैगिटेरियस पाइसिस एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? आप लोगों का तो इस टाइम बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है दिल टूटा हुआ है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा गाइस सैड हो। यस, सो कहीं ना कहीं आप लोग लिब्रा वालों, आप लोगों की जो मुझे एनर्जी इस मंथ में फील हो रही है, कुछ लोग तो यहाँ पे इस मंथ में बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव रहने वाले हैं। काफ़ी आप साइकिक हो सकते हो, ठीक है, आप काफ़ी इंट्यूशन आपकी चलेंगी, आप काफ़ी स्पिरिचुअल होने वाले हो इस मंथ में, अपने आप को स्पिरिचुअल फील करोगे। कोई इंट्यूशन आपकी काफ़ी टाइम से आपको किसी चीज़ पे पिंच कर रही थी, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपकी कहीं ना कहीं 5D लेवल से 3D वर्ल्ड पे होने वाली है, ठीक है। और जिस चीज़ों को लेके कुछ चीज़ें आपसे काफ़ी टाइम से ना गाइज हिडन है, तो वो मुझे फील हो रहा है जैसे वो इस मंथ में आप लोगों के लिए लाइक अनफोल्ड होंगी, जिस चीज़ों का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। अदरवाइज़ यहाँ पे किसी तरह का आपका कोई पास्ट का हार्ट अटैक है, किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपको बहुत दुख दिया है, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा सैड हो। और तो वहाँ से मुझे आप लोगों की एक न्यू डोर ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं कि वहाँ से आपकी लाइफ में वो पर्सन वापस आने के चांसेस हैं। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या किसी तरह का पार्टनर, लवर, कोई हस्बैंड वाइफ से रिकॉन्सिलिएशन के यहाँ पे चांसेस हैं। बट इस मंथ आप लोगों ने काफ़ी सोच समझ के हर चीज़ की प्लानिंग करनी है, ठीक है। बट लक आप लोगों के साथ है, डेफिनेटली गाइज आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हो इस मंथ में, बट आप लोगों ने पेशेंटली प्लानिंग करनी है, ठीक है। कुछ कहीं ना कहीं आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी रह सकते हो, किसी चीज़ का फैसला करने में आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है इस मंथ में, ठीक है। बट आप लोगों ने बहुत सोच समझ के गाइस डिसीजन लेना है, बिकॉज एक डिसीजन आपका, एक स्टेप गलत हुआ, डेफिनेटली आप दोबारा वही सिचुएशन में आ जाओगे जो आपकी इस टाइम चल रही है या काफ़ी टाइम से चल रही थी। आपको कोई ना कोई चीटिंग कर सकता है, अगर आपने बिना किसी प्लानिंग के कोई काम किया और अंधा एतमाद किसी पे कर लिया, तो आपके दोबारा यहाँ पे चीटिंग मिलने के, आपको दोबारा आपका दिल टूटने के यहाँ पे चांसेस हैं। बट इस टाइम आपकी जो इस मंथ में आप जो लक है वो आपके साथ है, किस्मत आपके साथ है, डेस्टिनी आपके साथ है। डेफिनेटली जब व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, तो मतलब किस्मत भाग्य आपके साथ है, जो उस चीज़ का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, ठीक है। बट आप लोग इस मंथ में काफ़ी इंटेलिजेंट हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा मुझे फील हो रहा है जैसे आपको काफ़ी नॉलेज आ रही है, ठीक है। आपका इंट्यूशन बहुत तेज़ आप लोगों की गाइस चलने वाली है। सो गाइस काइंडली अपनी इंट्यूशन को और ज़्यादा पॉलिश करिए, और ज़्यादा फोकस करिए, ताकि आप एग्जैक्ट और परफेक्ट डिसीजन ले सके अपनी लाइफ में, क्योंकि चीटिंग के यहाँ पे चांसेस हैं। अगर आप लोगों ने दोबारा वही केयरलेस एटीट्यूड शो किया, तो आपको दोबारा ये पर्सन की तरफ से या किसी की तरफ से बिजनेस से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपको चीटिंग मिल सकती है। अदरवाइज़ आपकी लाइफ में कोई प्रेगनेंसी के चांसेस भी हैं, जो मैरिड है यहाँ पे, और यहाँ पे बेबी गर्ल होने के चांसेस मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं, ठीक है। कंसीव कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सो या, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग। रेजोनेट की पसंद आई हो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।